डॉक्टर मेहताब आलम साहब से तशरीफ लाएँ और आज की इस मुशायरे की कार्रवाई और आपका इंतजार खत्म। इंतजार के लम्हे अजीब होते हैं, क्या बात है, इंतजार के लम्हे अजीब होते हैं, बजाय सीने के आंखों में दिल धड़कता है। शहर गदल भोपाल के बाद में आज के खूबसूरत महफिल द ग्रेट इंडियन एंड लिटरेचर फेस्टिवल और मोहतरम कवि बुखारी के मुश्तरक तालुम से मुनाकिद की गई, जो आज का मौजू दिया गया है वो मौजू है अंदाज़ बयां। अंदाज़ बयां घर से बहुत शोक नहीं है, शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ये तमाम शोरा इसलिए मौजूद है कि आपके एहसास को, जमाने के कर्म को, जमाने के जो हालात हैं उसको अपनी शायरी में बयान करें। कहने को दो मित्र में शायर अपनी बात कहता है, लेकिन दो मित्रों में बात कहना आसान नहीं। यकीन जाने कि शेर कहने के लिए खून जिगर को कशिश करना पड़ता है। और बशीर भट्ट ने कहा है कि चमकती है कहीं सदियों में आंसुओं से जमीन, गदल के शेर कहां रोज रोज होते हैं। आज ये महफिल जो कहने को भोपाल के शोरा पर मुश्तमिल है, लेकिन अगर इसे मैं आलमी महफिल कहूँ तो गलत नहीं होगा। इसमें वो शोरा शिरकत कर रहे हैं जो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बड़े फकीर ही नहीं, दुनिया में जहाँ भी मुशायरे मुनाकिद किए जाते हैं उसमें इनकी शिरकत होती है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप अपने लिए और इन शोरा के लिए जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। जबान से बात निकलती है और दिल पर असर करती है। उधर प्रताप सिंह ने कहा है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। ये जो सबका एहसान है यही हिंदुस्तान की जरूरत है। और शायद हम तमाम शोरा इसी बात के लिए जमा हुए हैं कि मोहब्बत की फजा फिर से बनाई जाए और हिंदुस्तान को भोपाल से ये पैगाम दिया जाए कि मोहब्बत और मोहब्बत हिंदुस्तान की जरूरत है, इसमें नफरत की कोई जगह नहीं। दोस्तों आइए सबसे पहले शायद की तरफ चलते हैं और मैं उस शायद को दूर चलना चाहता हूँ। मैं यहाँ प्रदम साहब, मनोज कपरेजा साहब बैठे हुए हैं, सभी बुखारी साहब बैठे हुए हैं। आप तमाम लोगों के बाद बताता चलूँ, जब हिंदुस्तान में उर्दू शिरवादत की बात की जाती है तो लोग दिल्ली की बात करते हैं, लखनऊ की बात करते हैं, हैदराबाद की बात करते हैं, लेकिन भोपाल की उर्दू दिल्ली हैदराबाद लखनऊ की मजमू में नहीं है। जिस वक्त बल्ली दिल्ली में उर्दू की बदल को, उसकी जुल्फ ग्रहगीर को संवार रहे थे, भोपाल से पहले बैरुतिया में मतनबी अबला के हसन लिखी जाए। काजी मोहम्मद साले के खान वजह थे, काजी मलिक नवेद साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश की जा रहा हूँ तो आए और अपना कलाम पेश करें। काजी मलिक नवेद साहब दोस्तों जोरदार कदम लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक नज्म पेश करना चाहता हूँ और उसकी वजह यह है कि ये नज्म मैंने जिनके लिए खराज अकीदत पर लिखी थी वो उनको खराज पहुँचाने के लिए आज का ये मजमा जो अहले इल्म दानिश का है बावकार मजमा है और ये मेरी सआदत होगी कि उस मजमे में मैं उस हिंदुस्तान के सबसे बड़े अहदे सदर जमहूरिया को सरफराज करने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की के बतौर खराज अकीदत कही हुई नज्म पेश करूँ। तो नज्म देखिए कि मिट्टी को जिला बख्शी जब आदर मुतलक ने, मिट्टी को जिला बख्शी जब आदर मुतलक ने, मिट्टी ने भी फिर अपनी मिट्टी को किया राफे, मिट्टी ने भी फिर अपनी मिट्टी को किया राफे,
कीचड़ में कमल बनकर, कीचड़ में कमल बनकर, पतरे से गुहर बनकर, आंखों की जबा बनकर, रिश्तों की तहारत से, रिश्तों की तहारत से, जज्बों की तमाजत से, ईमान की ताकत से, जज्बों की तमाजत से, ईमान की ताकत से, इखलास से, चाहत से, कुर्बानी की आदत से, इखलास से, चाहत से, कुर्बानी की आदत से, इंसानी रफाकत से, एहसान व मोहब्बत से, इंसानी रफाकत से, एहसान व मोहब्बत से, और फ़र्ज की शिद्दत से, और कर्म से, मेहनत से, मिट्टी को किया, मिट्टी ने किया खुद को किरदार से भी अशरफ, मिट्टी ने किया खुद को किरदार से भी अशरफ, अखलाक से भी राफे, लेकिन ये सभी औसाफ हर एक की मिट्टी में शामिल तो नहीं होते, लेकिन ये सभी औसाफ हर एक की मिट्टी में शामिल तो नहीं होते, कुछ खास ही होते हैं दुनियाए मोहब्बत में, कुछ खास ही होते हैं दुनियाए मोहब्बत में, वो जिनके लिए मिट्टी औसाफ हमीदा से, औसाफ हमीदा से एक जिस्म बनाती है, उस मिट्टी का मालिक था अल्लाह का वो बंदा, उस मिट्टी का मालिक था अल्लाह का वो बंदा, था नाम कलाम उसका, दुनिया उसे एपीजे कहकर के बुलाती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसास से अब दिल का रिश्ता हो तो ऐसा हो, एहसास से अब दिल का रिश्ता हो तो ऐसा हो, होठों पे खिले कलियां, होठों पे खिले कलियां, पलकों पे सजे मोती, होठों पे खिले कलियां, पलकों पे सजे मोती, जीना हो तो ऐसा हो, मरना हो तो ऐसा हो, जीना हो तो ऐसा हो, मरना हो तो ऐसा हो, और झुक झुक के सलामी दे मगरूर समंदर भी, झुक झुक के सलामी दे मगरूर समंदर भी, दरिया भी कदम छूमे अतरा हो तो ऐसा हो, दरिया भी कदम छूमे झुक झुक के सलामी दे मगरूर समंदर भी, जरनवाली के झुक झुक के सलामी दे मगरूर समंदर भी, दरिया में कदम छूमे कतरा हो तो ऐसा हो, या जहाँ से गुजर जाए या खुद से मुकर जाए, या जहाँ से गुजर जाए या खुद से मुकर जाए, सच्चा हो तो ऐसा हो, झूठा हो तो ऐसा हो, या जहाँ से गुजर जाए या खुद, दर्रा नवाजी, दर्रा नवाजी के, या जहाँ से गुजर जाए या खुद से मुकर जाए, सच्चा हो तो ऐसा हो, झूठा हो तो ऐसा हो, और ताजीम करे जुगनू तकलीफ करे सूरज, ताजीम करे जुगनू तकलीफ करे सूरज, हम खाक नशीनों का जलवा हो तो ऐसा हो, ताजीम करे सूरज तकलीफ करे जुगनू, ताजीम करे जुगनू तकलीफ करे सूरज, हम खाक नशीनों का जलवा हो तो ऐसा हो, दाना हो कि नादा हो, आमिल आलम हो कि जाहिल हो, दाना हो कि नादा हो, आलम हो कि जाहिल हो, दानिश्ता सभी खाए धोखा हो तो ऐसा हो, सभी खाए धोखा हो तो ऐसा हो, धोखा हो तो ऐसा हो, ये उस के दाना हो के नादा हो, आलम हो के जाहिल हो, दानिश्ता सभी खाए धोखा हो तो ऐसा हो, तो ये शेर अगले महीने मोहर्रम शरीफ शुरू हो रहे हैं, और उस हवाले से ये शेर है कि जो रश के फलक ठहरे, जो फख्र जमीन ठहरे, जो रश के फलक ठहरे, जो फख्र जमी ठहरे, ए ज़ोक़े शहादत सुन सजदा हो तो ऐसा हो, जो फख्र जमी ठहरे, जो रश्के फलक ठहरे, ए ज़ोक़े शहादत सुन सजदा हो तो ऐसा हो, और मक्ता पेश खिदमत है कि जो लोग हैं टकसाली कह दो ही नबे बन से, जो लोग हैं टकसाली कह दो ये नबे बन से, हर दौर में राइज हो सिक्का हो तो ऐसा, जो लोग हैं टकसाली
ऐसा भी कह दो ये नवेद उनसे हर दौर में राइज हो सिक्का हो तो ऐसा हो। हजरात मेरे बड़े भाई आरिफ अली आरिफ साहब बैठे उनका हुक्म था कि तुम गजल तो जरूर सुना दो लेकिन एक गजल जरूर ऐसी सुनाना कि जो मतलब थोड़ी ऐसी हो कि जो लगे कि हाँ भोपाल में शायरी होती है। तो पेश कर रहा हूँ मतलब ऐसे खिदमत है कि यही है सब्र की बस आखिरी हद, यही है सब्र की बस आखिरी हद, समंदर एक आंसू में मुकय्यद, यही है सब्र की बस आखिरी हद, समंदर एक आंसू में मुकय्यद, अमल है सिर्फ ईमा की कसौटी, अमल है सिर्फ ईमा की कटोसी कसौटी, अमल है सिर्फ ईमा की कसौटी, न फारूकी न सिद्दीकी न सैयद, सिर्फ ईमा की कसौटी न फारूकी न सिद्दीकी न सैयद। ये कैसा गांव है नक्शे में जिसके, ये कैसा गांव है नक्शे में जिसके, न पीपल है न जामन है न बरगद, ये कैसा गांव है नक्शे में जिसके, न पीपल है न जामन है न बरगद। स्मार्ट सिटी में ये